समय मैं अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी मैंने उधर एक लड़के को देखा। वो शायद 19 साल का होगा। वो उधर कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो जस्ट वहाँ पे खड़ा था। तभी वो मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्नैपचैट चलाता हूँ। मैं उस समय वर्कआउट करना चाहता था और उस लड़के से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपनी स्नैपचैट आईडी दे दी। एंड ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना यार। सो जब मैं घर पे पहुंचा, तभी मुझे उस लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। उसने मुझे अपनी एक बहुत ही क्रीपी सी स्नैप भेजी थी। एंड उसके बाद वो मुझे काफी अजीब अजीब और कंटिन्यूसली स्नैप्स भेजने लगा। मैंने उसे लॉक कर दिया। अभी मुझे फिर से एक और मैसेज आया। उस लड़के ने दूसरा अकाउंट बना लिया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। एंड देन उसने मेरे घर की स्नैप मुझे भेजी। मैं उस समय काफी ज्यादा डर गया। तभी मुझे विंडो पे नॉकिंग की साउंड सुनाई दी। मैंने उसे खोला और तभी मैंने उस लड़के को अंदर खींचा और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया। मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया। वो कसम से एक नंबर का साइको आदमी था। और उसके बाद से ही मैं स्नैपचैट यूज करते वक्त काफी ज्यादा सावधान रहता हूँ।